हाय एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल ब्यूटी एस्पा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि होममेड माउथवॉश कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, हम सभी माउथवॉश यूज करते हैं, लेकिन वो मार्केट का यूज करते हैं जिसमें कहीं ना कहीं केमिकल यूज किया जाता है, जिससे लॉन्ग टर्म पर हमारे दांतों को नुकसान भी पहुंच सकता है। लेकिन जब हम हर्ब से तैयार किया हुआ माउथवॉश यूज करेंगे तो हमारे दांतों को नुकसान भी नहीं होगा और हम अपने दांतों को लॉन्ग टर्म में कोई भी बीमारियों से भी दूर रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आने पर अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये होममेड माउथवॉश कैसे बनाना है। माउथवॉश बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है नीम के पत्ते, गुआवा की पत्तियां और लौंग। नीम हमारे लिए कितना फायदेमंद होता है आप सभी जानते हैं। नीम पावरफुल एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होता है नीम के अंदर, जिससे हमारा मुंह न सिर्फ क्लीन हो जाता है बल्कि दांतों में जमा हुआ प्लग और गम और बैक्टीरिया को भी खत्म कर देगा अगर हम इसका रेगुलर यूज करते हैं तो। इसमें इसके यूज से ब्लीडिंग गम्स में भी इफेक्टिव होता है। यहाँ मैंने लिया है गुआवा की पत्तियां यानी कि अमरूद के पत्ते। इसमें भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है, टीथ एंड गम प्रॉब्लम्स में हेल्पफुल होता है। साथ ही अगर अमरूद के पत्तों से बने माउथवॉश का अगर हम गार्गल करें तो हमारा जो माउथ सोर्स में भी फायदा मिलेगा, बेड ब्रीथ में भी इफेक्टिव होता है। और यहाँ बात करते हैं लौंग की, कि लौंग के बारे में हम सभी जानते हैं कि दांतों के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। इसमें पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज होती है, एंटीसेप्टिक भी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इसलिए हमने आज के माउथवॉश में लौंग का इस्तेमाल किया है। तो इन सारे मटेरियल्स को हम लोग पहले गर्म करेंगे पानी के अंदर और उसके बाद हम माउथवॉश बनाएंगे। और कैसे करना है चलिए बताते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, इसमें लगभग 2 कप पानी डालूंगी। यहाँ मैंने 2 कप पानी लिया है और इस पानी के अंदर जो भी पत्तियां थी उसे डालूंगी। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि जब भी आप ये पत्तियां को ले तो इसे धोने के बाद ही इसको यूज करें, क्योंकि इसमें धूल गर्द भी रहता है, धूल और गंदा भी रहता है। तो उसे आप एक बार धो लें उसके बाद ही माउथवॉश में यूज करें। तो ये पत्तियों को अच्छे से धोने के बाद इसके अंदर पानी के अंदर डालें। इसमें सारी पत्तियों को डाल लेना है। जो मैंने लिया था यहाँ पर 6 से 7 लौंग उसे भी डाल रही हूँ। उसके बाद हम लोग डालेंगे नीम की पत्तियां, इसे भी मैंने अच्छे तरह से धो लिया है। ये सभी चीजों को बॉयल आने तक अच्छे से गर्म करना है। जब इसमें उबाल आ जाए, लगभग ये ब्राउन कलर का हो जाए, तब हमारा ये माउथवॉश तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसे गर्म करते हैं। अब इसे हम गर्म करेंगे, तब तक गर्म करेंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए और ये ब्राउन कलर का ना हो जाए। तब इसे मैं गर्म कर रही हूं। लगभग ये 10 मिनट तक गर्म होगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आने लगा है और इसका कलर भी चेंज हो रहा है। जब ये पूरा ब्राउन कलर का हो जाए तब आप समझेंगे कि इसका माउथवॉश बिल्कुल रेडी हो चुका होगा। लेकिन अभी ब्राउन कलर नहीं हुआ है, तब हमें अच्छे तरह से इसे उबाल आने तक गर्म करना होगा। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसका कलर ब्राउन होते जा रहा है, लेकिन फिर भी लगभग 5 मिनट और इसे गर्म करना होगा ताकि ये सही कलर में आ जाए और ये जो पत्तियों का जो कलर है, पत्तियों का जो हर्ब है वो पानी के अंदर आ जाए
फ्रेंड्स, ये माउथ वॉश बहुत ही फायदेमंद होता है, ये हर एक को यूज कर सकता है। थोड़ा सा कड़वा लगता है शुरू शुरू में जब आप इस्तेमाल करते हैं तो, लेकिन धीरे धीरे फिर आपको आदत पड़ जाएगी। आप चाहो तो इसे दो बार यूज कर सकते हैं सुबह शाम। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो सोने से पहले जरूर इस माउथ वॉश का यूज करें, क्योंकि जब सोने से पहले जब आप इसका यूज करेंगे माउथ वॉश का, तो सुबह आपको ताजगी महसूस होगी, आपकी दांतों के प्रॉब्लम को भी ठीक रखेगा। अब बिल्कुल ये तैयार हो चुका है, जब ये जब ठंडा हो जाए तब इसे हम छान लेंगे। माउथ वॉश बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसे मैंने छान लिया है। आप इस तरीके से इसे तैयार करिए और लगभग हाफ कप पानी में इसका 2 चम्मच माउथ वॉश डाल के आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू।